हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास है एक जीएसएम मॉड्यूल जिसे हम सिम 800L के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा जो ये है, ये हमारा मॉड्यूल है, इसे हम बहुत आईओटी प्रोजेक्ट में ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो आईओटी प्रोजेक्ट्स में ये काम आता है हमारा जीपीएस मॉड्यूल की तरह ही। ये उसका एक छोटा सा वर्जन है जीएसएम मॉड्यूल। इससे जो हम फोन के सारे काम करवा सकते हैं। जैसे फोन से हम क्या करवा सकते हैं, कॉल करना या फिर एसएमएस भेजना या फिर एक एक टाइप का डेटा होता है वो भी हम इससे भेज सकते हैं। तो इससे हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स यूज हुए हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इसका ये बड़ा सा एक चिप, जो हमें सिम 800L चिप के नाम से हम जानते हैं। इसमें हमें IMEI नंबर भी दिया गया है। हमें हर फोन में एक IMEI नंबर दिया जाता है, जैसा कि इसमें भी दे रखा है हमारे पास। ये लंबा सा देख सकते हैं आप, यहाँ पर IMEI नंबर दे रखा है पूरा। तो यहाँ पर ये हो गया इसका चिप, जिसकी जिसकी मदद से हम इसे आर्डुइनो से कनेक्ट करके हम इसे सिम इसमें हमें सिम भी लगाना पड़ता है सिम ट्रे में। अभी हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जब हम इसे आर्डुइनो से कनेक्ट करते हैं, तब इसे 1200 बॉड पर सेकंड से 115200 बॉड पर सेकंड पे इसे ऑपरेट करा जाता है। फिर हमारा ये हो जाता है। फिर यहाँ पर हमारा UFL कनेक्टर आ जाता है। यहाँ पर ये कोने में सबसे छोटा सा दिख रहा होगा आपको। इस UFL कनेक्टर में हम अपना एंटीना कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे UFL कनेक्टर के बाद इस कोने में सबसे कोने में यहाँ पर हमारे पास एक LED लाइट आती है, जो हमें ब्लिंक करके बहुत सारे इंडिकेशन देती है कि हमारा हमारा जो जब ये एक बार ब्लिंक होता है, तब तब हमें ये पता चलता है कि हमारा जो चिप है उसको पावर मिल चुकी है, ये ऑन है। जब ये 1 सेकंड में एक बार ब्लिंक होता है और जब ये 2 सेकंड में एक बार ब्लिंक होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि हम जिस डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं वो एक्टिव है। और जब ये 3 सेकंड में एक बार ब्लिंक होता है, तब हमें ये पता चलता है कि हमारा ये जो चिप है वो उस डिवाइस से कनेक्ट हो चुका है। तो ये LED ये सारे काम बताती है, और इसके और भी सारे बहुत सारे इंडिकेशन है वो हमें देखना होगा। फिर हम इसके उल्टी साइड आते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक सिम ट्रे। इस सिम ट्रे में हम अपना सिम लगाते हैं, लेकिन हमारा जो सिम है वो 2G का होना चाहिए। अगर वो 2G का नहीं होगा तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर सबसे ऊपर इस कोने में, यहाँ पर अगर हम कोई दूसरा एंटीना लगाना चाहते हैं, जिसे हम UFL कनेक्टर की मदद से नहीं लगा सकते, तब हम इस यहाँ पर इस ऊपर वाले पिन में लगाते हैं। अब हम इनके पिन आउट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया गया सबसे ऊपर में नेट। नेट हमारा एंटीना के लिए दिया गया। मैंने अभी आपको बताया था, जब हम इसे खरीदते हैं तब हम हमारे हमारे पास इसके साथ एक हेलिकल हेलिकल एंटीना आता है, वो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस कोने में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नेट लिखा हुआ है। तो ये नेट है हेलिकल एंटीना का है। और फिर अब इसके बाद आता है हमारे पास VCC नेट के नीचे। तो VCC पिन में हम 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। 5 वोल्ट कनेक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप पावर कंजम्पशन के लिए इसमें क्या चीज लगाएंगे, एक लिपो बैटरी या आर्डुइनो से डायरेक्ट इसे पावर अप करेंगे। अगर आप आर्डुइनो से डायरेक्ट इसे पावर अप करते हैं तो इसे 5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन हमें इसे 5 वोल्ट नहीं देना है। इसमें हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट ही दिया जाता है, वरना फिर हैंग भी कर सकता है, यानी कि अटक सकता है। और फिर उसके बाद हमें मिलता है RST बटन। RST यानी कि रीसेट बटन। रीसेट बटन से अगर हम अपने कोड को दोबारा से रन कराना चाहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, तब हम इस पिन का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है RX पिन। RX पिन यानी कि रिसीवर, और इसके नीचे है TX पिन, उसका मतलब होता है ट्रांसमीटर पिन। तो RX और TX जो है, हम आर्डुइनो आर्डुइनो में लगा हुआ होता है। RX और TX पिन हमें दिया जाता है। जब हम इसे RX और TX पिन को आर्डुइनो के RX TX में कनेक्ट करते हैं, और फिर कोड अपलोड करने के बाद इसे वापस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इसका RX आर्डुइनो के TX में और इसका TX आर्डुइनो के RX में लगा देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ग्राउंड। तो ये हमारा सिंपली ग्राउंड आर्डुइनो के ग्राउंड पिन में चला जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा रिंग, यानी कि जब भी हमारे पास कोई SMS कॉल्स आती हैं, तब उसे रिसीव करने के लिए इस पिन का यूज होता है। फिर हमारे पास आता है DTR। जब हम बहुत लंबे टाइम के बाद कॉल आता है, तब ये स्लीप मोड में चला जाता है, स्लीप मोड जैसा ही कुछ होता है। फिर ये जब लंबे टाइम बाद कॉल आता है, तब इसकी मदद से ही दोबारा से अपने आप को पावर अप करता है, दोबारा से पावर कंजप्शन बचाने के लिए।
जब ये इस पे दोबारा कॉल आता है तब इस DTR पिन का यूज होता है। फिर हमारे पास आता है माइक पी और माइक एन, यानी कि माइक का पॉजिटिव और माइक का नेगेटिव पिन यहाँ पर हमें लगाना है। फिर हमारे पास आता है स्पीकर का पॉजिटिव और नेगेटिव पिन, यहाँ पर ये दोनों हमारे पास, ये दोनों होते हैं हमारे पास स्पीकर के लिए, और ऊपर हमारे पास होते हैं ये दोनों माइक के लिए। तो ये था इसका पूरा पिन आउट। अगर हम देखें इसे इंटरफेस कैसे कराना है आर्डुइनो के साथ, तो सिंपली हमारा जो VCC पिन है और ग्राउंड पिन है, तो वो तो आर्डुइनो के VCC और ग्राउंड पिन से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें इसके VCC पिन को आर्डुइनो के VCC पिन से कनेक्ट नहीं करना है, इसे हमें अलग से पावर देनी होगी एक बैटरी की मदद से, तो जिसको 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट दिया जा सकता है बस। तो इसे हम बैटरी से पावर अप करने के बाद इसका RXTX आर्डुइनो के RXTX में मिला देंगे, और कोड अपलोड करने के बाद इंटरचेंज कर देंगे। फिर हमारा जो यहाँ पर स्पीकर और माइक का पिन है वो इसमें बताया ही गया है। स्पीकर और माइक के पिन को हम स्पीकर के पॉजिटिव नेगेटिव से मिलाकर इसे अटैच कर देंगे। फिर DTR पिन और रिंग पिन आर्डिनो के किसी भी एनालॉग पिन से कनेक्ट कर देंगे, और वैसे ही हमारे पास ये जो RST पिन है वो भी हम आर्डिनो के किसी भी उससे कनेक्ट कर देंगे। और हमारा जो नेट नेट वाला पिन है इस तरफ, वो हमारा एंटीना का है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये था इसका इंटरफेस कराना आर्डिनो के साथ। तो मैं आपको किसी और वीडियो में इसे आर्डिनो के साथ इंटरफेस करा के और इसे रन करा के भी दिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। With their nails done now.